नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दो अपडेट्स पे बात करेंगे। पहला होगा T-90 टैंक्स के अपग्रेड को लेके और दूसरा होगा P-8I की डिलीवरी को लेके। तो पहले बात कर लेते हैं T-90 के अपग्रेड को लेके। रक्षा मंत्रालय ने अपने 1512 T-90 टैंक्स पर माइन प्लो लगाने के लिए BEML के साथ एक डील की है। ये BEML का मतलब हुआ भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। इस डील के तहत भारत के 1512 T-90 टैंक्स में माइंड प्लो लगाया जाएगा। इसकी डिलीवरी कितने दिनों में होगी ये तो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले मैं ये बता देता हूँ कि इनका काम क्या होता है। तो दोस्तों, ये तो आपको कॉमनली पता ही होगा कि वॉर जोन में बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे जो एनिमी रीजन होता है उसमें टैंक्स के लिए माइंड बिछाई जाती है ताकि वो टैंक्स वहां पे आते ही ध्वस्त हो जाएं। तो उससे क्या होता है, दुश्मन भी सचेत हो जाता है और आप भी उस एरिया से आगे नहीं जा पाते हो डर के मारे, क्योंकि आपको पता होता है आगे माइंस बिछी हैं। तो इन माइन प्लो के थ्रू आप क्या करते हो कि जमीन से उन माइंस को उखाड़ के या तो फेंक देते हो या फिर उन्हें कहीं और एडजस्ट कर देते हो। ज्यादातर सेफर साइड में रहने के लिए क्या किया जाता है कि इन माइंस को उल्टा करके जमीन में ही गाड़ दिया जाता है, ताकि उससे क्या होता है कि अगर वो चीज ब्लास्ट होता भी है तो वो जमीन के अंदर होता है तो ऊपर के साइड में नुकसान नहीं होता है, या फिर आप उसे निकाल के कहीं दूसरी जगह रख देते हो ताकि पीछे के व्हीकल्स उस सेम रास्ते से आगे बढ़ते जाएं जिस रास्ते पे वो पर्टिकुलर माइन प्लो माइंस निकालते हुए आगे बढ़ रहा है। तो इस तरीके का काम बेसिकली इसका होता है। बात की जाए इसके डिलीवरी की, तो जो एस्टिमेशन है लाइफ फीस्ट के कहने के अनुसार, उसके अनुसार नेक्स्ट 7 ईयर्स में इन 1512 T-90 टैंक्स को अपग्रेड कर दिया जाएगा। इसका मतलब अगर आप रेशियो निकालते हो तो 216 अपग्रेड होंगे हमारे टैंक पर ईयर, और पर मंथ के हिसाब से 18 पर मंथ है। ये चीज आप देख सकते हो कि अगर ये किसी प्राइवेट कंपनी को काम दिया जाता तो मुझे लगता है शायद और जल्दी हो जाता। और अगर बात की जाए इस अपग्रेड के न्यूज को लेके तो मुझे इससे थोड़ी भी खुशी नहीं है, क्योंकि जब सब कुछ सर पे हो और उस समय हम अपने टैंक को अपग्रेड कर रहे हैं वो भी इतनी छोटी चीज के लिए, तो ये काफी सोचने वाली बात है। क्योंकि हमारे पास एटलीस्ट हमेशा 1000-1500 ऐसे टैंक तो अवेलेबल होने ही चाहिए जिनमें कि ये सुविधा हो कि उनसे हम माइन प्लो कर सकें। छोड़िए, ये तो बात हो गई T-90 के अपग्रेड को लेके। अब बात कर लेते हैं P-8I की डिलीवरी को लेके। ऐसी न्यूज आई है आज कि P-8I जो हमारे 4 ऑर्डर किए हुए हैं वो नेक्स्ट ईयर यानी कि 2021 में डिलीवर कर दिए जाएंगे। इसमें भी कोई खास चीज नहीं है, क्योंकि P-8I की जो डिलीवरी थी वो तो होनी थी 2020 के ही अंत तक, लेकिन 2021 में ये कब डिलीवरी होगी ये भी अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलो कि इनकी डिलीवरी 2021 के शुरुआती महीनों में ही हो जानी चाहिए, जनवरी से लेके मार्च के बीच में कंडीशन को देखते हुए। भारत इस P-8I के 8 एयरक्राफ्ट को पहले से ही यूज करता है और जो 4 अभी आने वाले हैं इसका अप्रूवल DAC की ओर से अक्टूबर 2010 में ही मिल गया था, लेकिन इसका ऑर्डर हुआ है जुलाई 2016 में। तो आप समझ सकते हो कि कितना लेट, 6 साल बाद तो इसका ऑर्डर दिया गया था DAC के अप्रूवल के बावजूद भी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 4-5 साल तो लगते ही है डिलीवरी में। तो ठीक है, फिलहाल देखते हैं 2021 तक होपफुली इसकी डिलीवरी जल्दी हो जाएगी। इस P-8I के बारे में अगर थोड़ा सा बता दूं तो इसमें दोस्तों 2 लोगों का क्रू होता है, अगर आप सिर्फ पेट्रोलिंग का काम कर रहे हो या फिर आप कह लो फ्लाइट को उड़ाने के लिए। बाकी आप अगर किसी मिशन पे जा रहे हो तो एटलीस्ट आपको 7 लोगों की जरूरत होती है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 907 किलोमीटर पर आवर की है, इसकी रेंज 2200 किलोमीटर तक की है और इसकी सर्विस सीलिंग 41,000 फीट तक की है, यानी कि 41,000 फीट तक की ऊंचाई से ऑपरेट हो सकता है। इसमें वेपन्स भी लगे हुए हैं, यानी कि ये P-8I सिर्फ इसका काम नहीं करता कि आप समुद्र में पेट्रोलिंग का काम कर रहे हो, बल्कि ये हमारी नेवी के लिए एक तरीके का अटैक का भी काम करता है किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में। इसके लिए इसमें लगे हुए हैं 5 इंटरनल वेपन बे और 6 एक्सटर्नल वेपन बे इसमें लगे हुए हैं, जिसमें कि आप कई तरह की मिसाइल्स को लगा सकते हो। जैसे कि इसमें AGM-84 हार्पून मिसाइल लग सकती है, Mach-54 टॉर्पीडो लग सकता है, साथ ही साथ इसमें डेप्थ चार्ज भी लग सकते हैं। इसके अलावा ये एयरक्राफ्ट 129 सोनोबॉय लॉन्चर को लॉन्च कर सकता है, जिसके थ्रू आप सबमरीन हंटिंग का काम करते हैं। इस सोनोबॉय लॉन्चर के साथ किस तरह से सबमरीन को ढूंढा जाता है और बाकी चीजें जो सबमरीन वॉरफेयर की होती हैं वो एग्जैक्टली कैसे काम करती हैं, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना के रखी थी जिसमें मैंने आपको बताया था MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर के बारे में। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि सबमरीन हंटिंग किस तरीके से की जाती है। उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा
वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा 6 और PHI एयरक्राफ्ट की जरूरत है इंडियन नेवी को, जिसकी ओर से DAC का अप्रूवल भी मिल चुका है नवंबर 2019 में। लेकिन फिर ये ऑर्डर लटक ना जाए, और हो सकता है इस इमरजेंसी की कंडीशन में इसका भी अगर ऑर्डर दे दिया जाए जल्दी ही, तो भारत के पास एक अच्छी क्वांटिटी में PHI हो जाएंगे, जिससे कि हमारी नेवी काफी स्ट्रांग हो जाएगी, और साथ ही साथ हमारे पास MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर भी होंगे, तो चाइना को जवाब देने के लिए काफी अच्छा होगा। क्योंकि आपको पता है कि चाइना की एक्टिविटी इस समय जो इंडियन ओशन रीजन में है उसमें भी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। और आपको ये भी मैं याद दिला दूं कि म्यांमार से लेकर ग्वादर पोर्ट और श्रीलंका के पोर्ट्स पे भी चाइना का कब्जा ऑलरेडी बना हुआ है, तो उसकी वजह से इंडियन ओशन में भारत को ज्यादा सतर्क करने के लिए इन एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स की जरूरत भी है भारत को। इसके अलावा दोस्तों, ब्रिटेन किस तरीके से चाइना को अपने शिकंजे में कसने की कोशिश कर रहा है, और चाइना पे एक मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा डाल रहा है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से भी, और चाइना के 5G स्पेक्ट्रम को बैन करके भी जो उनका हुआ ही का है, उसके ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई वो हमारे दूसरे चैनल ग्लोबल डिफेंस गैलरी पे आ चुकी है, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मनीष मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।